नमस्कार। सेवा के संस्थान से जुड़े वे मेरे अन्य मित्रों, नमस्कार। मेरा नाम सुशील पंडित है। मैं कश्मीर से हूं, दिल्ली में रहता हूं और अब कुछ समय से, कुछ वर्षों से कश्मीर के संबंध में सार्वजनिक रूप से कुछ जानकारियां, कुछ अनुभव पूरे देश के साथ मीडिया के माध्यम से और स्वयं जा जाकर विभिन्न संस्थानों में सीधे लोगों से मिलकर बांट रहा हूं। आज मैं आपके समक्ष कश्मीर में पिछले 5 अगस्त से जो कुछ हुआ है उन विषयों को लेकर उपस्थित हुआ हूं। 5 अगस्त 2019 को भारत ने कुछ विलक्षण निर्णय लिए, बहुत महत्वपूर्ण फैसले किए। इन निर्णयों की दशकों से प्रतीक्षा थी, लेकिन यह निर्णय लेने के लिए जिस राजनीतिक इच्छा शक्ति की, जिस साहस की, जिस परायणता की आवश्यकता थी वह नहीं उपलब्ध था। जैसे बहुत से अन्य फैसले लंबित थे, अयोध्या का फैसला लंबित था, इसी तरह कश्मीर को लेकर यह एक मूलभूत फैसला भी सरकार की इच्छा शक्ति के अभाव में टला जा रहा था। 370 था क्या? क्यों इसके विषय में इस तरह के आग्रह की आवश्यकता पड़ी? उस पृष्ठभूमि में जाएं तो मैं केवल इतना कहूंगा कि 370 जम्मू कश्मीर राज्य को भारत की संसद के अधिकार क्षेत्र से, भारत के संविधान के प्रभाव से मुक्त रखने का एक प्रावधान था। भारत की संसद जो हमारी सर्वोच्च सार्वभौम संस्था है, जो देश की एक एक इंच भूमि पर, चप्पे चप्पे पर संविधान में संशोधन या नियम कानून बनाने का अधिकार रखती है, उसे कश्मीर के विषय में कुछ 2-3 विषयों को छोड़कर कोई कानून बनाने का अधिकार नहीं था। और फिर 1954 में एक और धोखा किया गया देश के साथ, बिना संसद को बताए 35A के प्रावधान के तहत कश्मीर की व्यवस्था को, वहां की विधानसभा को यह अधिकार दे दिया गया कि वह अपने नागरिक स्वयं परिभाषित करे और उसके द्वारा बनाए गए नियम और नीतियां भारत के संविधान के किसी भी प्रावधान के तहत किसी भी न्यायालय में उन्हें चुनौती नहीं दी जा पाएगी। इस तरह कश्मीर ने अपने नए नागरिक परिभाषित कर लिए, जिन्हें कश्मीर में ऐसे ऐसे अधिकार मिले और जिनके माध्यम से देश भर के नागरिकों को इस तरह वंचित किया गया
और कश्मीर में ही रहने वाले निवासियों में ऐसा ऐसा भेदभाव किया गया कि जो आज के युग में कल्पना से भी परे है। कश्मीर में दलितों के एक बहुत बड़े समुदाय को इस अधिकार से वंचित कर दिया गया कि यदि उनके बच्चे पढ़ लिख जाएं, किसी अन्य व्यवसाय को चुनना चाहें, तो वो कश्मीर की नागरिकता से वंचित कर दिए जाते। उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी मैला ढोने और सफाई करने के लिए ही शापित कर दिया गया। देश भर के दलित आंदोलन ने आंखें मीच ली, जय भीम जय मीम कहने वालों ने कान बंद कर लिए, मुंह सी लिए, क्योंकि कश्मीर की व्यवस्था ऐसी इस्लाम परस्त लोगों के हाथ में थी जिनके साथ वो गठबंधन बनाने को आतुर थे। इसी तरह पाकिस्तान अधिकृत भारत, जिसे लोग पीओके कहते हैं, वहां से आए शरणार्थियों और पाकिस्तान के अन्य हिस्सों से आए हिंदुओं और सिखों को भी नागरिकता के मूलभूत अधिकार से वंचित किया गया। न सिर्फ वो वहां के शिक्षा संस्थानों में पढ़ सकते थे, ना उनके बच्चे सरकार में नौकरी कर सकते थे, ना वो स्वयं वहां एक इंच भी जमीन खरीद सकते थे, अपनी दुकान, अपना मकान, अपने खेत, अपने खलिहान, अपने बागीचे कुछ नहीं कर सकते थे। लाखों की संख्या में रहने वाले ऐसे लोग देश की लोकसभा के चुनावों में तो वोट दे सकते थे, लेकिन राज्य की विधानसभा में, यहां तक के पंचायत के, स्थानीय निकायों के चुनावों में चुनाव लड़ना तो दूर, वोट नहीं दे सकते थे। मौलिक अधिकारों तक से वंचित कर दिया गया। और उस पर यह कि उन्हें किसी भी अदालत में, किसी भी न्यायालय में चुनौती तक नहीं दी जा सकती थी। ऐसा किया 370 और 35 ए ने। क्यों किया? ये तो वहां के आज के राजनेता भी कहते हैं, इसलिए किया क्योंकि कश्मीर एक मुस्लिम बहुल प्रांत था, मुस्लिम बहुमत का प्रांत था। मुस्लिम बहुमत का प्रांत था तो, लेकिन था तो एक पंथ निरपेक्ष देश का हिस्सा, भारत पंथ निरपेक्ष राज्य, उसमें हिंदू और मुस्लिम का भेद करने की गुंजाइश कब पैदा हुई? उसमें भारत के संविधान में ऐसी क्या कमी थी कि वो मुसलमानों के लिए अप्रिय था, कश्मीर के मुसलमानों के लिए अप्रिय था? क्योंकि भारत हाल ही में विभाजित हुआ था और नेहरू और गांधी के आग्रह के बावजूद विभाजित हुआ था, देश के मुसलमान के हठ के कारण विभाजित हुआ था और व्यापक हिंसा और दंगों से निकल करके वो विभाजन आया था, रक्त रंजित बंटवारा। तो उस समय नेहरू और गांधी ने शायद ये तय किया कि कश्मीर में ऐसे ऐसे प्रावधान दिए जाएंगे जो मुसलमानों ने कभी सोचे भी नहीं होंगे और जिन कारणों से उन्होंने पाकिस्तान बनवाया उन सब कल्पनाओं को, उन सब इच्छाओं को, उस सब अलगाववाद को, उस सब घृणा को, उस सब हिंसा को एक पुरस्कार दिया जाए
देश की ही भूमि पर एक और पाकिस्तान बनाया जाए उन्हें खुश करने के लिए। तो पाकिस्तान जैसा ही बनाकर दे दिया जम्मू कश्मीर, यहां तक कि वहां एक तिहाई से ज्यादा आबादी हिंदुओं की थी, बौद्धों की थी, सिखों की थी, लेकिन हम सबको बंधक की तरह उनके हवाले कर दिया। उनकी रहम पर, उनकी मेहरबानी पर हमें वहां जिंदा रहना था, अपने अधिकार के साथ नहीं, बल्कि वहां के जो बहुमत समुदाय था उसकी दयानतदारी पर, उसकी इच्छा पर, उसकी पिनक पर हमें रहना था। ऐसी स्थितियां जब बनी और ये उनका दिल जीतने के लिए बनी, लेकिन क्या दिल जीत पाए? मुश्किल से 25-30 साल ही गुजरे थे वहां इस्लामियत की, अलगाववाद की, बंटवारे की आंधी ऐसी चली कि पूरी की पूरी घाटी को हिंदुओं से खाली करा लिया गया 1990 में। मार कर, लूट कर, सामूहिक नरसंहार करके, बलात्कार करके, घर लूट कर, दुकानें जलाकर, मंदिरों को तोड़कर वहां के हिंदू समुदाय को कश्मीर घाटी छोड़ने पर मजबूर किया गया। और हम सबको यह अनुभव था कि इसकी जड़ में जो मानसिकता है, जो व्यवस्था है, जो प्रावधान है, उसको 370 पोषित करता है अनुच्छेद 370। इसलिए ये मांग बार बार उठी। भाजपा ने स्वतंत्रता के बाद अपने हर चुनाव के घोषणा पत्र में इसका आश्वासन दिया। संघ और भाजपा ने मिलकर देश भर में शाखाओं के माध्यम से, कार्यक्रमों के माध्यम से, कार्यकर्ताओं के अभ्यास वर्ग के माध्यम से, पत्रकों के माध्यम से, गुरुदक्षिणा के कार्यक्रम में चलने वाले बौद्धिक से लेकर विजयदशमी पर होने वाले सरसंघ चालक जी के संबोधन तक, हर अवसर पर देश को, समाज को यह चेतना दी कि कश्मीर में यदि जड़ है पूरी समस्या की तो वो 370 अनुच्छेद हमारे संविधान का है। उसके बाद भी शासन के कई वर्ष हो गए, गठबंधन बने, ताक पर रख दिया गया इस विषय को, और बाद में 5 अगस्त को जाकर के ये देश का भाग्य जागा, जनादेश का पालन हुआ और अनुच्छेद 370 हटा।